हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर टॉप बुक गोल्डन रेज। चैप्टर नेम इज द टेल ऑफ विश्नोईज, विश्नोईयों की कहानी। विश्नोई मुख्यतः हमारे राजस्थान के जालौर और सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मतलब काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, और कितने अच्छे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टुडे मारवाज इज ए ट्री लेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आजकल मारवाड़ ट्री लेस, पेड़ों से रहित, पूरी तरीके से मिट्टी और चट्टानों का एक अनुपजाऊ भूमि है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। जो आजकल वहाँ पर उगता है वो केवल कटीली झाड़ियाँ हैं। ए फ्यू टाइप्स ऑफ सॉर्ट रफ ग्रास, छोटे छोटे कटीली घास, एंड एन ऑकेशनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्रीज, और कहीं कहीं पे बेर और बबूल के पेड़ मिल जाते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेजेस विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खिजड़ी ट्रीज। अविश्वसनीय रूप से इस रेगिस्तान में भी ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर खिजड़ी के पेड़ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। खिजड़ी के पेड़ों के जंगल हैं। दिस कजन ऑफ बबूल इज द कल्पवृक्ष, दैट ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस। ये जो कल्प बबूल का पेड़ है, ये एक्चुअली में ये जो खेजड़ी का पेड़ है, ये बबूल का जो पेड़ है उसका छोटा भाई है। मतलब छोटा है, बड़ा भाई है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, ऐसा कुछ है। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं, और कल्प वृक्ष का मतलब है एक ऐसा पेड़ जो कि सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। ए फुल ग्रोन कैमल कैन एन्जॉय ए मिड डे सिएस्टा इन इट्स शेड। एक बड़ा ऊँट, वयस्क ऊँट, इसकी छाया में दिन में आराम कर सकता है। इट्स फोलियस नॉरिसेस गोट्स, इसकी कोमल पत्तियाँ गोट बकरियों को, सीप भेड़ों को, कैटल मवेशियों को, कैमल ऊँटों को पोषण प्रदान करती हैं। स्पॉट्स कैन बी मेड इंटू ए डेलीशियस करी। इसकी जो कोमल पत्तियाँ हैं उनके स्पॉट्स, फलियाँ जो हैं इसकी, उनसे बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जाती है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड्स द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मॉरोडिंग एनिमल्स। और इसकी जो कटीले कांटे नुमा जो डालें होती हैं सूखी, उनसे ग्रामीण लोग आवारा जानवरों से अपने खेतों की रक्षा करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स द स्वे टुडे। एक बार जब ये मारवाड़ का क्षेत्र इस पूरे क्षेत्र में जो है वो जो आज यहाँ पर फैला हुआ है, इसको पहले जीता नहीं गया था, तब की बात। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम, यद्यपि उस समय भी जलवायु ऐसी ही थी, एज इट इज टूडे, जैसे कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ खिजड़ी ट्रीज। उस समय भी भूमि हजारों की संख्या में खिजड़ी के पेड़ों से ढकी हुई थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी। वहाँ पर बेर के, केर के और सांगरी के पेड़ों की बहुत आयत थी। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ब्लैक बक्स, जिंकारा, नील गाय, एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल भील्स। इस समतल मैदानों में एंटीलोप यानी काले हिरण, हिरण जो है चिंकारा वगैरह जिनको बोलते हैं, ब्लैक बक, काला हिरण, चिंकारा जिस पे धब्बेदार होते हैं, एंड नील गाय, एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड ट्राइबल भील्स। और इसी जमीन पर जो आदिवासी भील हैं वो भी रहते थे। अबाउट 3000 ईयर्स अगो हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स बिगिन टू पॉर इन टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। 3000 वर्ष पहले पश्चिम से और मध्य एशिया से
पशु चराने वाले जो लोग थे और वो उनके झुंड के झुंड यहाँ पे आना शुरू हो गए। सम ऑफ देम स्प्रेड इन टू मारवाड़, उनमें से कुछ लोग मारवाड़ में भी आ गए। द भील्स रेजिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भील लोगों ने उनका जो अतिक्रमण हो रहा था, घुसपैठ हो रही थी, उसका विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, परंतु जो घुसपैठिए थे उनके पास घोड़े थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे। एंड प्रेटी सून टुक केयर ऑफ द फील्ड्स, और जल्दी ही उन्होंने भीलों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। इन एनी केस द लैंड अपियर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज। किसी भी स्थिति में वो जो जमीन थी वो उनके कब्जे में दिखाई दे रही थी और भील अरावली पर्वतमाला की ओर थोड़ा पीछे हट गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, अब मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। बट एज सेंचुरीज पास्ट द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगिन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, परंतु जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, शताब्दियाँ गुजरती गईं, जो मवेशियों की बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण वहाँ की वनस्पति पे प्रभाव पड़ा। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेस डाउन, वहाँ के जो बड़े पेड़ थे, जो पत्तियाँ थीं, उनको वो पशु उनको चर रहे थे, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और अब उनका बढ़ने के बहुत कम चांस थे। इन्विटर्स एंड ट्राइबल बील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, वहाँ पे जो पहले घुसपैठिए आए थे मध्य एशिया से और पश्चिमी एशिया से, वो और वहाँ के जो मूल आदिवासी भील हैं, अब उनके लिए वहाँ पर रुकना बहुत कठिन हो रहा था, अपना जीवन यापन करना कठिन हो रहा था, क्योंकि वहाँ की जो वेजिटेशन है, वनस्पति, वो खत्म हो रही थी। फाइनली द 13th century AD, फिर अंत में 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी AD मतलब ईसा के बाद में, सॉ द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फील्ड्स बाय द राठौड़स ऑफ कन्नौज। फिर एक अंतिम विजय जो भीलों की हुई थी वो कन्नौज के राठौड़ों के द्वारा हुई थी। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, राजपूत अब पूरे मारवाड़ पर अधिकार अपना जमाने लगे। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधा जी, 1451 ईस्वी के आसपास, उसमें जब राव जोधा जी का राज्य था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, जो कि राठौड़ों के सबसे बहादुर राजा थे, एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। पीपासर गांव में एक बहुत ही अद्भुत बालक, मतलब असामान्य बालक का जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहाट एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी, उसका जो पिता थे वो गांव के ठाकुर थे, मुख्य मुखिया थे, और उनकी जो माँ थी उसका नाम था हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड चंबा जी, लड़के का नाम जम्बा जी हुआ। एज ए लिटिल बॉय, छोटे सा जो बच्चा था, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल इन सी, तो उसे अपने पिता के जो मवेशी थे और उनकी जो भेड़ी थी उनकी रखवाली गड्ढे का कार्य दिया गया था। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, मवेशियों को बाहर ले जाके चराना उसके लिए काफ़ी मज़ेदार काम था। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्रीज, वो खेजड़ी के पेड़ों की छाया में बैठता था। वॉज द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और वो काले हिरण जो थे उनके झुंडों को देखता था। चंबाजी वॉज फैसिनेटेड बाई द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप। जम्बा जी जो ये सुंदर एंटीलोप्स थे, हिरण थे, उनकी धीमी चाल को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे, एंड थॉट, और वो सोचते थे दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रेलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैक्स। और वो ये सोचते थे कि एक दो जो बड़े हिरण हैं उनकी लड़ाई से ज़्यादा अच्छा सुंदर दृश्य क्या हो सकता है। वेन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब जम्बाजी 25 वर्ष के हुए, एक ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, एक भयानक आपदा ने
पूरे क्षेत्र को घेर लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीस्ड ऑल टुगेदर। जो बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में जो बरसात होती थी वहाँ पे, वो भी आना बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर्स वार द कैटल। जो सबसे ज़्यादा पीड़ित थे वो थे वहाँ के मवेशी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट। पहले साल के अकाल में दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। घरों में जो स्टोर करके भंडारित करके बाजरा रखा गया था, जो बाजरे के वो स्ट्रॉ रखे गए थे, मतलब करब जो इसको बोलते हैं, उसको उन्होंने खाया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड। दूसरा वर्ष बहुत ज़्यादा बुरा भी निकला। देर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास स्टैंडिंग एवरीवेयर। कहीं पर भी घास का एक तिनका भी खड़ा हुआ नहीं था। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड। लोग जो भी उन्हें कोई भी पेड़ मिलता उसे काट डालते। एंड फैड द एनिमल्स ऑन द लीव्स। और उसकी पत्तियों पर अपने पशुओं को चराते थे। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। परंतु फिर भी सभी भूखे जानवरों के लिए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। और जो अकाल है, सूखा है, वो लगातार 8 वर्षों तक चला। द पीपल हैड हैग्ड एंड हैग्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलीज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच दे फाइनली बिगिन टू ड्राइव। लोगों ने सभी पेड़ों की प्रत्येक पत्ती को उन्होंने काट डाला, मतलब काट के अपने पशुओं को चरा दिया। विस फाइनली बिगिन टू ड्राई अप। और फिर वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे। वेन द स्टोर्ड ग्रेन वॉज एग्जॉस्टेड पीपल एट खेजडी पॉट्स। जब घरों का जो स्टोर अनाज था, भंडारित अनाज था, वो भी ख़त्म हो गया, तो लोग खेजड़ी की फलियां खाने लगे। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेड सीड्स। और बेर जो हैं उनको, सूखे जो बेर होते हैं उनका आटा बना के खाने लगे, उनको पीस के। वेन दिस वॉज दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड। और जब ये भी ख़त्म हो गया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगड़ी ट्रीज। उन्होंने सांगड़ी के पेड़ों की छाल निकाल ली। एंड पाउडर डेट और इसका चूर्ण बनाया। एंड कुक डेट और इसे मत पका के खा गए। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स। उन्होंने प्रत्येक जो भूखा था काला हिरण, उसको भी वो मार के खा गए। एंड फाइनली दे अबैंडन्ड ऑल होप। और फिर अंत में उन्होंने सभी आशाएं त्याग दी। एंड माइग्रेटेड इन द मासेस। और फिर झुंड के झुंड वो वहाँ से माइग्रेट हो गए। उस स्थान को छोड़ दिया उन्होंने, अपने रेगिस्तान मारवाड़ एरिया को, और इस गंगा और नर्मदा की ओर वो निकल गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स पेरिश्ड ऑन द वे। लगभग 10,000 की संख्या में मवेशी रास्ते में जब वो जा रहे थे उसी समय मृत्यु के काल में चले गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बॉरन। अब तक पूरा वो जो इलाका था, पूरा जो क्षेत्र था, वो निर्जन हो चुका था। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति भी नहीं था और जानवर भी नहीं थे। देर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट 4 माइल्स टुगेदर। वहाँ पे मीलों तक देखने के लिए कोई पेड़ भी नहीं था, नॉर ए सिंगल काउ और ए ब्लैक बक। कोई गाय भी नहीं थी और कोई काला हिरण भी नहीं था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड लाइक जम्बाजीज फादर विथ ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। अब वहाँ पे जो रुके रहने वाले कुछ लोग थे, वो जम्बाजी के पिताजी जैसे लोग थे जो कि गांव के जमींदार थे, और उनके पास बाजरे के काफ़ी ज़्यादा भंडार भरे हुए थे और वो किसी तरह से इस मुश्किल समय को निकाल रहे थे। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्रॉट। जम्बाजी भी इस सूखे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन द अवेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम। कई रातें ऐसी थीं जब वो उसने जाग कर निकाल दी, क्योंकि आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा था, जो कुछ भी वो देख रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था। द डाइंग कैटल द स्टार्विंग चिल्ड्रन। मरते हुए पशु, भूखे बच्चे,
दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, वे उसे दिन और रात डराते थे, उनकी दृश्य उन्हें डराते थे। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, अपनी 34 वर्ष की अवस्था पर, ही हैड ए विजन, उसे एक सपना आया या उसने कुछ देखा। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ऑन पावर, उसने देखा कि मनुष्य अपनी स्वयं की शक्ति के मद में, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपनी चारों ओर के संसार को नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, उसने निश्चय किया कि वो ये सब कुछ बदल देगा। इफ लाइफ वॉज टू फ्लोरिस अगेन इन दिस डिजोलेट लैंड, यदि इस निर्जन भूमि में जीवन को पुनः खुशहाल बनाना है, पुनः उगाना है जीवन को, जम्बाजी सॉ दैट द मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, जम्बाजी ने देखा कि उस व्यक्ति को एक बिल्कुल अलग तरीके से रहना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स, कई पुराने विश्वासों के अनुसार। जम्बाजी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाई एन अबंडेंस ऑफ खिजड़ी बेर केर सांगरी ट्रीज, जम्बाजी चाहते थे कि ये पूरी धरती द्वारा से खिजड़ी बेर और केर के पेड़ों के द्वारा ढक दी जाए, मतलब इन पेड़ों को उगाया जाए। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक्स टू फ्रॉलिक अगेन, वो चाहते थे कि ब्लैक बक्स जो हैं हिरण, वो दोबारा से यहाँ पे अपना आनंद मनाए। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, वो चाहता था कि लोग इस सब के लिए कार्य करें। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जम्बाजी जानते थे कि इस कार्य को कैसे किया जाए, इस अपने उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। एंड ही बिगिन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन द ईयर 1485, और इस प्रकार उसने सन 1485 में अपने संदेश को प्रसारित करना शुरू किया। इस मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, और उसका जो संदेश था उसमें 29 मुख्य जो आधारभूत सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे। इट्स टू मेजर कमांडेंट वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल, इसकी जो मुख्य दो आदेश थे उनमें दो मनाहियाँ की गई थी, निषेध किए गए थे, और वो निषेध थे कि किसी भी हरे पेड़ को और किसी भी जानवर को मारा नहीं जाए। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमिनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड, जम्बाजी का जो ये मानवता के लिए संदेश था, सभी जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित पेड़ हैं, जानवर हैं, उन सब के लिए जो मैसेज था, सम्मान था, उसको बड़े उत्साह के साथ में स्वीकार कर लिया गया। इस टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहैबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज टू रिक्लोज द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, और उसकी जो उपदेश थे उसने वहाँ के जो निवासी थे उनको प्रोत्साहित किया कि वो अपनी धरती को पुनः हरे कपड़े से ढक दें। जम्बाजीज फॉलोवर्स वर कॉल्ड विष्णुइज और 29ers, बिस मीन्स 20 एंड नोई मीन्स 9। जम्बाजी के जो अनुयायी थे उनको विष्णुई कहा गया क्योंकि वो 29 सिद्धांतों का पालन करते थे, बिकॉज दे अधेयर टू जम्बाजीज 29 परसेप्ट, क्योंकि वे जम्बाजी के 29 सिद्धांतों पर अडिग थे। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारास, पीफॉल्स एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, उन्होंने अपने गांव में और उसके आसपास काले हिरण पेड़ों को, काले हिरणों को, चिंकारा और जो फॉल्स हैं, मोर हैं, उनको और दूसरे जानवरों को, पक्षियों को, सबका प्रोटेक्शन किया, उनकी सुरक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाई ट्रीज, धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र था वो पेड़ों के द्वारा ढक गया। देयर कैटल एंड हैड अबंडेंट ब्राउज, उनके लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उनके जो मवेशी थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खाने के लिए पेड़ उपलब्ध हो गए। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जो भूमि है उसने अपनी उपजाऊ क्षमता पुनः प्राप्त कर ली। द बिश्नोईज बिकेम ए प्रॉस्पेरस पीपल, इस प्रकार बिश्नोई जो थे वो समृद्ध लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर,
परंतु उनके क्षेत्र के बाहर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। उनके क्षेत्र के बाहर की जो भूमि थी वो अभी भी अपने हरे आवरण से विहीन थी और रेगिस्तान अभी भी बढ़ रहा था। द नाइन डिसेंडेंट्स ऑफ जम्बाजीज कॉन्टेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। जो जम्बाजी के समकालीन थे राव जोधाजी, उनमें उन्होंने अब जोधपुर का जो राज्य था उस पर अधिकार कर लिया था। इन द सिक्स ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730, अब सन 1730 में राव जोधाजी के राजा बनने के 6 साल बाद, दिस महाराजा, ये महाराजा जो थे अभय सिंह, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। और वो मतलब अपने लिए एक महल बनाना चाहते थे। हुआ क्या था, देखो ये जो राव जोधाजी जो हैं ये जम्बाजी के समकालीन थे। अब राव जोधाजी की पीढ़ी का 9वां जो वारिस है, जो उनका बच्चा है, मतलब उनका बच्चा, उनका बच्चा, उनका बच्चा, इसमें इस प्रकार से 9वां जो बच्चा है वो था महाराज अभय सिंह। वो अभय सिंह अपने लिए एक महल बनाना चाहते थे, ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ फेमस रेड सैंड स्टोन ऑफ जोधपुर। एक सुंदर महल जो कि जोधपुर के लाल पत्थर से बना हुआ था। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम। अब इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लकड़ी चाहिए थी, चूना चाहिए था। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट। लाइम स्टोन इज क्वाइट ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट। और जो चूना पत्थर है वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता था, बट इट हैज़ टू बी क्योर, परंतु इसे वहाँ से निकालना पड़ता था। एंड द लाइम किल्स वो नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल। और वो जो चूने की भट्टियाँ थीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच ऑफ फ्यूल इन द डेजर्ट। और इस रेगिस्तान में ईंधन उपलब्ध कराना, ईंधन प्राप्त करना बहुत ज़्यादा सरल काम तो नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, परंतु जैसा कि भाग्य है, देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ स्नोइज जस्ट 16 माइल फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से केवल 16 मील दूर बिश्नोइयों का काफ़ी बड़ा एक झुंड समूह रहता था। दीज पीपल एक्सेप्टेड जम्बाजीज परसेप्ट नियर 2.5 सेंचुरी अगो। इन लोगों ने लगभग 250 वर्ष पहले जम्बाजी के सिद्धांतों का अनुपालन किया था, उनको स्वीकार किया था। एंड हैड नर्स्ड 100 ऑफ केजीटीज नियर देयर विलेज। और जोधपुर से 16 मील दूर उन्होंने अपने गांव में खेजड़ी के पेड़ों को बड़ा किया था, लगाए थे काफ़ी सारे खेजड़ी के पेड़। एंड देयर वॉज एक्सलेंट लाइम स्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ी। और वहाँ पर उनके एक गांव के पास में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर भी उपलब्ध था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर द खेजड़ी टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। अब अभय सिंह के दीवान ने आदेश दिया कि चूना पत्थर की जो भट्टियाँ हैं वो खेजड़ी ग्राम के पास में शुरू कर दी जाएँ ताकि महल का निर्माण कार्य चालू हो सके। बट वेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, परंतु जैसे ही वहाँ काम करने वाले खिचड़ी ईंधन के लिए खिचड़ी के पेड़ों को काटने के लिए तैयार हुए, दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। उन्होंने ये पाया कि बिश्नोई उन पेड़ों को उन्हें नहीं काटने देंगे। देयर खिचड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट लॉन, उनके खिचड़ी के पेड़ों को अकेला छोड़ होगा। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायोलेशन ऑफ देयर रिलीजन। उन्होंने कहा कि इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन होगा। द वर्कर्स टर्न टू जोधपुर, अब काम करने वाले जोधपुर पहुंच गए लौट के। दीवान वॉज एनरेज्ड, दीवान गुस्सा हो गया। व्हाट इंसोलेंस, ये क्या बेशर्मी है। ही पर्सनली एक्सेप्टेड द वर्कर्स ऑन द हॉर्स बैक टू खेजड़ी विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट।
वो स्वयं अपने जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनके साथ में घोड़ों की पीठ पे बैठ के खेजड़ी गांव गया और उसने वहां पे आदेश दे दिया कि खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाए। द एक्स वर्ड्स रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठा ली गईं एंड द होल विलेज गैदर्ड, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बैग दैट दियर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड, उन्होंने वो जो विष्णु ही थे उन्होंने वहाँ पे निवेदन किया कि उनके धर्म का अपमान न किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने निवेदन किया कि जो पेड़ हैं उनकी सुरक्षा किया जाए। दैट दे आर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशन, जिसको जिन पेड़ों को उनके पूर्वजों ने काफ़ी ज़्यादा पीढ़ियों से काफ़ी वर्षों से उगा के बड़ा किया है। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, परंतु दीवान दृढ़ निश्चय था, द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, कि पेड़ों को उन चूने की भट्टियों को जलाने के लिए जरूर काटा जाना चाहिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो एड, उसने उन जो मजदूर थे उनको आदेश दिया कि आगे बढ़ो। पर द विष्णुईज वर डिटरमाइंड टू, परंतु विष्णुई भी दृढ़ निश्चयी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम वॉज ए वेरिटेबल इनकॉर्नेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो दृढ़ निश्चयी थे वो थी, एक दुर्गा की अवतार मानी जाती हैं वो, और वो थी अमृता देवी, द वाइफ ऑफ विष्णुई रामखोद, और वो थी विष्णुई रामखोद की पत्नी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, पेड़ इससे पहले नहीं काटे जाएंगे जब तक कि तुम हमें नहीं काट दो, सी सैड, उसने कहा। एंड कॉलिंग टू हर थ्री डॉटर्स टू ज्वाइन हर, और उसने अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ बुला लिया। दे क्लेफ्ट फोर ऑफ द ट्रीज, और वो चारों महिलाएं, एक माँ और उसकी तीन बेटियाँ, चार पेड़ों से चिपक गईं। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल फोर ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, दीवान इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और आग बबूला हो गया, उसने आदेश दे दिया कि इन चारों को भी पेड़ों के साथ में काट दिया जाए। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ गिर गईं। द ब्रेव वोमेन वर कट टू पीसेस, और वो बहादुर महिलाएं टुकड़ों में काट दी गई, मतलब उनको मार दिया गया। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी कॉइड, परंतु वहाँ पर से बिश्नोईयों को भगाया नहीं जा सका। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, और उनमें से ज़्यादा लोग आके पेड़ों से चिपकने लगे। एंड बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ में काटे जाने लगे। द न्यूज ऑफ दिस मैसेक्रे स्प्रेड रैपिडली, अब इस नरसंहार की जो समाचार था वो बहुत जल्दी प्रसारित हो गया। एंड द थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वहाँ के जो 84 गांव थे वहाँ से लोग दौड़ के अपने बहादुर भाइयों और बहनों की सहायता के लिए आने लगे। ऑल टुगेदर 363 विश्नोईस, 363 विश्नोईस सेक्रीफाइस्ड, एक साथ में लगभग 363 विश्नोईयों ने वहाँ पे बलिदान कर दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन का बलिदान कर दिया टू गॉड देयर सेक्रेट हेरिटेज, ताकि वे अपनी पवित्र जो विरासत है उसकी सुरक्षा कर सकें। विरासत है उनकी पेड़। द महाराजाज मैन, महाराजा के आदमी, हु हैड नेवर इमेजिन दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, अब महाराजा के आदमी जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्थितियां इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, दे रश बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, वे वापस दौड़े उस घटना की सूचना अभय सिंह को देने के लिए। अभय सिंह वॉज क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, अभय सिंह बिल्कुल स्पष्ट था, जिसने औरंगजेब की सत्ता को भी चैलेंज किया था, उसे चुनौती थी थी, कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, और वो इस नैतिक साहस में भी इतने और उसका सामना नहीं कर सकता था। ही पर्सनली रोड टू द खिजली टू मैन मैटर्स, वह स्वयं मामले को सुलझाने के लिए खिजली गांव घोड़े की पीठ पर गया। ही अश्योर्ड द वीपिंग्स एंड एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, उसने वहां पे रोते हुए और गुस्से में भरे हुए बिश्नोईयों के पूरे समूह को
ये सांत्वना दी दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वह है उनके धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करेगा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वॉज प्रेजेंटेड टू द विश्नोईज, एक कॉपर की तांबे की प्लेट, ताम्र सील जिसको बोलते हैं, वो एक उसके विश्नोइयों को दी गई और उस पे ये लिखा हुआ था कि हैंस फॉर द इंस्क्रिप्शन सेड, और उस शिलालेख पे लिखा हुआ था नो ग्रीन ट्रीज वुड एवर बी कट नियर विश्नोईज ब्लेस, कि विश्नोइयों के गांव के पास में कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, नॉर वुड एनिमल्स बी हंटेड इन दियर विसिनिटी, और उनके आसपास के परिवेश में किसी भी जानवर का भी शिकार नहीं किया जाएगा। 2.5 सेंचुरीज हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, इस बात को 250 वर्ष से भी ज़्यादा व्यतीत हो गए हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई अब भी पेड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं, गिविंग सिक्योर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान के जंगली जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, और उसके साथ में हरियाणा और मध्य प्रदेश के जानवरों को, और वो भी लगभग 500 वर्षों से। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव बीन रवेज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सीलरेटिंग पेस। एवरीवेयर एल्स, इसका मतलब इस जगह के अलावा, मतलब बिश्नोइयों के गांव जो हैं उनके अलावा सभी जगह पर, भारतीय जो प्रायद्वीप है इसका जो हरा आवरण है वो पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है और लगातार नष्ट होता जा रहा है, उससे भी तेज गति से, पहले से भी तेज गति से वो लगातार नष्ट हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग्स दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वेनिश्ड विदाउट ए ट्रेस, और ये जो काले हिरण हैं जो हजारों की संख्या में पहले भारतीय मैदानों में घूमते थे, अब वो सभी विलुप्त हो गए हैं और उनका एक भी निशान नहीं बचा हुआ है। बट नियर द फ्यू विश्नोईज विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, परंतु कुछ विश्नोईयों के गांव के पास में हरियाली ना केवल अभी भी मौजूद है बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, परंतु वो बढ़ भी रही है। अराउंड द विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ शेष कण्व, और अभी भी उनके गांव के पास में काले हिरण इसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से घूमते हैं जैसे कालिदास के समय में कण्व ऋषि के आश्रम में घूमते थे। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर विष्णुज टेम्पल्स, अकबर विष्णुओं के मंदिरों के पास में इन निडर काले हिरणों को के झुंडों को देख के इतना ज़्यादा आनंदित हुआ था दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सत्य युग, कि उसने स्वयं ये कहा था कि ये जो दृश्य है ऐसा लगता है किसी सतयुग का दृश्य हो, द एज ऑफ ट्रूथ, जो कि सत्य का समय था, इन दिस कलयुग, इस कलयुग में द करप्ट प्रेजेंट, जो कलयुग जो है वो भ्रष्ट, आज जो है भ्रष्ट है, कलयुग जो के बारे में कहा है कि ये कलयुग करप्ट है। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, दृश्य हमारे लिए आज और भी ज़्यादा अचंभित करने वाले हैं, देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 सेंचुरीज अगो, जो कि आज से 400 वर्ष पहले सम्राट अकबर के लिए थे। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, क्योंकि बिश्नोई आज भी, आज तक भी अपने उस इरादे पे मजबूती से डटे हुए हैं। एट द विलेज खिचड़ी देयर वेयर द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, खिचड़ी गांव में जहाँ पर बिश्नोईयों ने अग्नि परीक्षा दी थी, देयर इज वन एंशियंट खिचड़ी ट्री विच एस्केप दैट मैसेक्रे, वहाँ पर अभी भी एक खेजड़ी का पेड़ बचा हुआ है जो कि उस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago, 2 वर्ष पहले द विष्णु इज प्लांटेड 363
मोर ट्रीज अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्चर्स। बिश्नोईयों ने उस पेड़ के आसपास 363 नए पेड़ लगाए अपने 363 उन शहीदों की याद में जो कि उस समय 250 वर्ष पहले शहीद हो गए थे। अमृता देवी, उसकी चार पुत्रियां और आसपास के जो ग्रामीण थे जो सहायता देने के लिए आए थे उनकी याद में। एंड दीज ट्रीज, और ये सब पेड़, बींग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, उन्हें प्रेम के साथ में बड़ा किया जा रहा है, आर ग्रोइंग फास्ट, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। एवरी ईयर दे आर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल नून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। भाद्रपद महीने में पूर्णिमा से 5 दिन पहले प्रत्येक वर्ष यहाँ इस गांव में एक मेला आयोजित होता है। इट इज़ एन अकेजन, ये वह अवसर होता है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन दिस हिज लाइफ टाइम, कि प्रत्येक पेड़ प्रेमी को, वृक्ष प्रेमी को इस अपने पूरे जीवन काल में एक बार इस दृश्य को जरूर देखना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और दूसरे अन्य जो भी साथी हैं जो कि अभी तक हमारे वीडियो को देखने से वंचित रह रहे हैं, अपने साथ क्लास के काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं, तो उन तक भी ये शेयर ज़रूर करें और उन्हें कहें कि वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और हमारे चैनल जो भी बना हुआ है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूँ।